नमस्कार साथियों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1D क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनफल की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब यह जानना चाहता है कि ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है या परिमेय गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा करने पर देखते हैं हम लोग क्या आता है, परिमेय आता है क्या परिमेय। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, यहाँ लिखेंगे हल, हल √3 माइनस √5 गुणे √5 को हराने पर गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो गुणा करेंगे तभी ना √3 √5 और प्लस में √3 है। ठीक है, तो इसको याद करके लिख सकते हैं हम लोग क्या कि √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भाई प्लस में है तो प्लस में अंकों का क्रम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माने 2 × 3 या 3 × 2 बात बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखिए ना, ये कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, कैसे ए प्लस बी ए क्वेश्चन में और ए माइनस बी ए क्वेश्चन में दिख रहा है ना। ऐसा जो है, ऐसा अगर लिखा हो तो हम लोग क्या समझते हैं कि ए का स्क्वायर है और माइनस में बी का स्क्वायर है। एन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी या ए प्लस बी। तो जहाँ ए माइनस बी या ए प्लस बी लिखा हो तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग को ऐसे लिख देना है। तो याद करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ दिखा दीजिएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 का वर्ग और माइनस में √5 का वर्ग लिख सकते हैं ना। तो या करके हम लोग क्या और लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम लोग √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और माइनस में √5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। आप लोग को पता होगा कि √ की संख्या का कोई भी √ हो और इसका वर्ग करते हैं तो ये अंदर वाली संख्या क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, बस यही जानिए कि अब क्यों निकल जाती है। देखिए √5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1/2। ठीक है, और इसका वर्ग है 2। अब देखिए जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका इसका गुणा हो जाता है घात का, तो 5 × 1/2 और गुणे 2 होगा ना। तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, खाली 5 ना बचेगा, तो इसीलिए 5 बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए बाहर कर देते हैं। अब 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो −2 होगा। ठीक है, अब −2 क्या होगी, तो 1 जो है परिमेय संख्या होगी हैं, तो यहाँ लिख देंगे ये होता −2 क्या है, 1 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इससे पहले की जो भी प्रश्नावली है ए बी सी और डी के तीसरा सब क्वेश्चन हल कर दिए गए हैं, तो इसको चाहें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके और लाइन से जो है सभी सवालों को देख सकते हैं। ठीक है, संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2/45 प्लस 3/20 3/45 का सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण का मतलब सॉल्व करना है तथा बताइए कि प्राप्त संख्या परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो हमने ये संख्या, ये जो सवाल नोट कर लिया है, लिखेंगे हल और 2/45 प्लस 3/20 और 3/5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब 2
अंडर रूट में 45 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 45 का अगर गुणनखंड किया जाए तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 45 है। आप प्लस में क्या हो जाएगा, 3। अंडर रूट 20 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 20 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 20 हो जाएगा। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, 3 √5, इसमें कोई गुणनखंड किया नहीं जाएगा है। या करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखिए ना, आप लोग जानते होंगे कि कर्णी के अंतर्गत अगर जो है संख्याओं का जोड़ा लग जाता है तो ये संख्या क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो देखिए ना, 3 का जोड़ा लगा हुआ है तो 3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पहले से मौजूद है और 2 × 3 कर देंगे, अंडर रूट में 5 कर देंगे हैं। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ भी 2 का जोड़ा लगा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ 3 है ये है तो 3 × 2 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 5। अब बटे में क्या हो जाएगा, 3 √5 होगा। फिर यह करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 × 2 = 6, अंडर रूट में 5 है। अब प्लस में 3 × 2 = 6, अंडर रूट में 5 है। अब बटे में 3 √5 लिख देंगे। यह करके हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अब देखिए, अगर कर्णी के अंतर की संख्याएं सेम है तो ये जुट जाते हैं, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। ये नियम है, ये जानिए कि कर्णी के अंदर अगर संख्याएं सेम है तो ये जुट जाता है, इसकी बाहर की जो भी संख्या होगी वह जुट जाएगी, अगर सेम नहीं रहता तब नहीं जुटता। सेम का मतलब बराबर, अंडर रूट में 5 है, यहाँ भी अंडर रूट में 5 है, तो ये कर्णी एक समान, इसको एक समान कर्णी कहेंगे, एक समान कर्णी में से जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, ठीक है। तो जोड़ है तो जोड़ देंगे, तो 6 × 6 = 12, अंडर रूट में 5, माने अंडर रूट में 5 कितने हो गए, 12 है। अब बट्टे में जो है क्या कर देंगे, 3 √5, तो 5 है तो 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 × 4 = 12, 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 4। अब बता देना है कि 4 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे अतः 4, मैंने 4 को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है ना, 4/1, तो 4/1 एक परिमेय संख्या होगा या 4 एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। कोई भी नंबर सिस्टम का नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 4 1 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, तो 4 1 परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यार दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप लोग बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 6 है कि बताइए कि अंडर रूट में 1029/147 अपरिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है। ये टोटल का रूट है, दोनों संख्या रूट में है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल, हल में जो है क्या लिखेंगे कि अंडर रूट 1029/147 बराबर, इसका गुणनखंड करेंगे तो 147 × 7 हो जाएगा। अब बटे में जो है 147 है ही है, तो अंडर रूट में भी अगर अंडर रूट में ऐसा सिचुएशन आता है कटने वाला तो इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो खाली अंडर रूट में 7 बच जाएगा है, तो अंडर रूट में 7 बच जाएगा। तो अंडर रूट की जो भी संख्याएं हैं जो कर्णी से बाहर नहीं हो सकती हैं वे क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि अंडर रूट 7 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका 7वां सवाल भी देख लेते हैं, हैं? चलिए 7वां सवाल भी देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है
कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो 3/8 का दशमलव रूप में कर देना है, तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में जो है लिख देंगे 3/8, हैं या करके लिख सकते हैं हम लोग 3/8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 4 × 8 हैं बराबर लिख सकते हैं 3 × 2/3। अब देखिए इसको हम लोग को दशमलव में चेंज करना है 3 को, तो यहाँ हम लोग जो है 5 का मल्टीपल चाहिए, तो 5 पे जो है अगर 3 कर दें तो ये एक एक ब्रैकेट में आ सकता है, तो ऊपर भी 5 पर 3 घात से गुणा कर देंगे, क्योंकि यह मैथ का नियम है कि ऊपर अगर किसी संख्या से नीचे गुणा करते हैं तो सेम संख्या से ऊपर भी गुणा कर दें तो हर इसके हर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हैं। या करके फिर लिख सकते हैं हम लोग क्या कि अब 3 5/3 घात का मतलब कि 5 × 5 × 5 हैं, और नीचे जो है 2 × 5 ब्रैकेट लगा के 3, क्योंकि हम लोगों को 10 के मल्टीपल में इसको चेंज करना है, तो 10 में मल्टीपल चेंज करने का मतलब 5 चाहिए यहाँ पे, तो 5 जो है कितना लिखा जाए ताकि ये आपस में गुणा हो सके, तो 3 घात, क्योंकि घात दोनों के बराबर रहेंगे तभी ना ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने घात बराबर लिया है। या करके फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3, अब यहाँ जो है गुणा कर दीजिए तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, तो 3 × 125 अब बट्टे में जो कितना हो जाएगा 10/3 घात हैं। अब या करके हम लोग फिर लिख सकते हैं क्या कि 125 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 375 हो जाता है 125 तिहाई, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 का 3 बार गुणा होगा, तो 10 का 3 बार गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें 3 जीरो है, तो इधर से जो है 3 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे, तो इधर से 3 अंक गिनेंगे तो क्या हो जाएगा 0.375, ठीक है, तो यह इसका जो है दशमलव रूप हो गया, ठीक है, तो बस यही हम लोग को चाहिए कि यह आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/100 1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, तो इसको दशमलव में चेंज करते हैं, तो 6/1250 को दशमलव में चेंज करेंगे तो 6/1250 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5/4 घात हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5/25 = 125 अब 5 × 10, ठीक है, मैंने 2 × 5/4 घात हो जाएगा, 5 को 5 जो है 4 बार लेना पड़ेगा है, तो 2 × 5/4 घात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6/8, अब देखिए ना 5 पे 4 घात हैं तो 2 पे भी 4 घात आना चाहिए, तो अब 2 में और कितना घात वाला ऐसे संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 2 पे भी 4 घात हो जाए, तो 2 × 2/3 से गुणा कर दिया जाए तो 1 घात इसका, 3 × 4 हो जाएगा, अब 5/3 घात है ना, 5 पे 4 घात है ये है भाई, हम लोग को एक ब्रेकेट में आना चाहिए क्या 2 × 5 आना चाहिए ना, तो इसका भी घात सेम करना पड़ेगा, 2 का घात सेम है नहीं, तो 2 पे भी 4 घात लाने के लिए हमने क्या किया 2 पे 3 घात से गुणा कर दिया, तो नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 पर 3 घात से हैं, ठीक है। अब 6 × 2/3 घात और नीचे क्या लिख सकते हैं 2/4 घात, क्योंकि गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं, तो इस पर भी 1 घात माना जाता है, तो 1 और 3 4 हो गया, तो 2 पे 4 घात हो गया, अब 5 पे जो है 4 घात हो गया, और 6 × 2/3 अब बटे में जो क्या हो जाएगा 2 × 5/4 घात हो जाएगा हैं। अब जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं या करके, अब 2 × 4 × 8 8 × 6 = 48 लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिख सकते हैं 2/5 = 10/4 घात लिख सकते हैं, अब 48 अब बटे 10/4 घात के मतलब 4 जीरो हैं 1 और 4 को 0, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको घात के रूप में अब दशमलव के रूप में चेंज करना है, तो देखिए ना कितने जीरो हैं इसमें 1 2 3 4, तो हम लोग को दशमलव 4 अंक बाद लगना चाहिए, तो 1 2
और दुगोरी जीरो भाग के यानी कि 0.00048। ठीक है, 0048 यानी कि 4 अंक के बाद से यह जो है क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः अतः 6/1250 का दशमलव प्रसार का 200 मलव प्रसार। अब भाई आप लोग लिख के भी हल कीजिएगा, क्योंकि लिख के हल करेंगे ना तो आप लोगों को अच्छा रहेगा, स्थानों तक शांत होगा, 4 स्थानों तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस में 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो इसको कैसे दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे भाई, तो देखिए ना यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि बिना भाग विधि के 15/4 प्लस में 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो दशमलव रूप में व्यक्त कैसे करेंगे भाई, इसको भी हम लोग 10 के मल्टीपल में चेंज कर लें और इसको भी 10 के मल्टीपल में चेंज कर लें। तो 10 के मल्टीपल चेंज करने का मतलब कि इसमें हम लोग कितना से गुणा कर दें कि 100 हो जाए, तभी ना 10 का मल्टीपल होगा, 100 हो जाए चाहे 10 हो जाए, तो 10 तो लाना मुश्किल है, तो इसमें जो 100 लाना पड़ेगा, तो 25 से गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो ऊपर भी 25 से गुणा कर देंगे हैं, और प्लस में 40 में भी 25 से गुणा कर दें तो 100 के मल्टीपल 10 के मल्टीपल हो गया 1000 हो जाएगा है। तो देखिए अब जो है इसका जब गुणा कर देंगे तो 25 में 15 का गुणा करेंगे तो 375, और 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100, 25 × 100 प्लस है तो प्लस, फिर 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125, और नीचे जो है क्या हो जाएगा 25 × 100 और 0 बढ़ जाएगा तो 1000 हो गया। अब इसको जो है दशमलव रूप में आराम से चेंज कर सकते हैं, दशमलव रूप में आप चेंज कर देंगे भाई, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक गिन के दशमलव लगा देना है, तो लग गया दशमलव है 3.75 हो गया, और प्लस में 3 जीरो इसमें है तो 3 अंक गिन के दशमलव लगा देना है, तो 3 अंक गिन दिया हमने, 1, 2, 3 है दशमलव लगा दिया। ठीक है, दशमलव अब इसको जोड़ना है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, दशमलव के सामने मैंने इसको जो हमने लिख लिया 3.75 लिख लिया, 1 जीरो बढ़ाया किस लिए, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव के सामने दशमलव, और फिर इसको लिखते हैं इधर से, तो 1, 2, 5 लिख लिया, इधर 0 लगा देंगे, दशमलव बहुत छोटा होता है इसलिए दशमलव से पहले हमेशा 0 लिखते हैं है? अब जो है 5 × 5 5, 2, 7 7, 1, 8 3 × 3 तो यह हो जाएगा 3.875। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, परिमेय संख्या 257/5000 257/5000 के हर को 2 परिम 5 परिम के रूप में लिखिए, जहाँ यम तथा यन ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। ठीक है, तो बिना वास्तविक विभाजन के दशमलव प्रसार भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। हल में क्या लिखेंगे भाई, अब देखिए 257 अब बटे क्या है 5000, तो 5000 का अगर गुणनखंड करें हम लोग, तो 5000 का भाग विधि से करते हैं, तो ये जो है 2 से जाएगा, 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10 2 को 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 2 से कटेगा क्या, तो इसका हमने जो है क्या किया, ऐसे भाग विधि से गुणनखंड कर लिया। ठीक है, पहले 2 से 2 लिया, 2 × 2 = 4 2 × 2 = 2 बार में जा रहा है, 4 लिखेंगे, 5 में 4 घटाएंगे क्या आएगा 2 × 5 = 10 हैं, और फिर 2 को 0 बढ़ा लेंगे, फिर इस तरह से 2 × 2 = 2 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10 0 बढ़ा लेंगे हैं, फिर 2 × 6 = 12 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10। ठीक है, तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, 257 बटे में 2 पर कितना घात हो जाएगा, 1, 2, 3
तो 2 पे 3 घात, गुणे 5 पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो गुणे 5 पर 4 घात हो गया है। तो अब 2 पे m घात 5 पे n घात के रूप में ही हो गया, ठीक है। ये जो है कहा है ना कि इसके रूप का लिखिए, तो यहाँ लिख लेंगे अतः 257/5000 का हर 2 पर 3 गुणे 5 पर 4 के रूप का है, के रूप का है। बस यही कह रहा है कि इस रूप का लिखिए, तो इस रूप का लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब जो है कह रहा है कि इसको दशमलव के रूप में भी चेंज कीजिए, तो दशमलव के रूप में अब हम लोग चेंज कर देंगे। तो दशमलव के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो 257/5000, तो 5000 यहाँ लिख देंगे हैं, बराबर करके 257/5000 को ये गुणनखंड इसका आया था ना 2 पर 3 गुणे 5 पर 4, तो 2 पे 4 लाने के लिए भाई 5 पे 4 है अधिकतम घात, 5 पे 4 है, तो 2, अब इसका भी अधिकतम घात 4 लाना पड़ेगा 2 पे है, तो एक खाली 2 से गुणा कर दिया तो 4 आ जाएगा ना। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 257 गुणा 2, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 से, तो 2 पर 3 गुणे 2 गुणे 5 पर 4, तब ना 2 पे 4 घात हो जाएगा। तो या करके लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, या करके 257 गुणे 2 बटे में जो है 2 पे 4 गुणे 5 पर 4 हो जाएगा ना। अब इसको लिख सकते हैं 2 का जो है इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 514 हो जाएगा है, ये हो जाएगा क्या 2 गुणे 5 पर 4 घात है हो जाएगा। अब जो है 514 बटे 2 पचे 10 पर 4 घात, इसको लिख सकते हैं 514 10 पर 4 का मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 0 है, तो 4 गो 0। अब 4 0 से इसमें गुणा भाग देंगे तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, इसमें 4 0 है ना, तो इधर से जो है गिन के 4 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, तो यहाँ 4 1 5 एक और अंक लेके यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है, तो 4 अंक बाद दशमलव हो गया है, क्योंकि 4 0 है नीचे, तो 4 अंक बाद दशमलव हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सभी सवाल आप लोग को समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए, अपने कमेंट में बताइए कि यह सवाल या राय या जो भी आपके विचार हो वो हमें शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोरोना से बच के रहिए।